यूपी के संत कबीर नगर जनपद से जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह आयोजित कर 106 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। सामूहिक विवाह योजना में 8 मुस्लिम समुदाय के जोड़े व 98 हिंदू समुदाय के जोड़ों का उनके रीति रिवाज पुरोहितों ने विधि विधान से विवाह कराया और मुस्लिम समुदाय के मौलवी ने निकाह पढ़ाया। कार्यक्रम में पहुंचे जिलाधिकारी दिव्या मित्तल व पुलिस अधीक्षक ब्रजेश सिंह द्वारा वर वधु को आशीर्वाद प्रदान किया गया। मुख्य विकास अधिकारी अतुल कुमार मिश्रा ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार सामूहिक विवाह योजना में पात्र जोड़ों से समाज कल्याण विभाग द्वारा तीनों तहसीलों के 9 ब्लॉकों से आवेदन आमंत्रित किया गया था, जिसमें कुल 106 जोड़ों का पंजीयन हुआ था। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचे जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा वर वधु को एक बॉक्स, कपड़े, बिछिया, मोबाइल फोन, जेवर, चुनरी आदि जरूरी सामान दिए गए हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत तीनों तहसीलों का बारी बारी से विवाह संपन्न कराया गया। संक्रामक रोग नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर आलोक सिन्हा ने बताया कि कार्यक्रम में पहुंचे हुए सभी जोड़ों व परिजनों का चिकित्सकों की टीम द्वारा कोरोना वायरस की जांच भी कराई जा रही है। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए संत कबीर नगर से विनोद कुमार की रिपोर्ट। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 106 जोड़े सम्मिलित हुए हैं, जिनमें से 8 मुस्लिम जोड़े भी आज इस पवित्र बंधन में बंध रहे हैं। प्रशासन की तरफ से इन लोगों को क्या क्या व्यवस्था दी गई है? आज यहाँ पे विवाह के अतिरिक्त इन लोगों को एक बक्सा दिया गया है, जिसमें कपड़े हैं, जिसमें बिछिया है, जेवर है, एक मोबाइल फोन है और इस तरह के एक चुनरी है। इस तरह के इनको हमारी तरफ से गिफ्ट के स्वरूप दिया गया है।